गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है, पर इसे लॉकडाउन 5.0 नहीं अनलॉक 1.0 को कहा जा रहा है। अब आप पूछेंगे इसमें नया क्या होगा, तो हम बता दें कि अनलॉक 1.0 में कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी सभी जोन्स में सारी एक्टिविटीज़ फेस दर फेस खोल दी जाएंगी, यानी पहले से जो गतिविधियाँ अलाउड थीं वो चलती ही रहेंगी। इसके अलावा पहले फेज़ में यानी कि 8 जून से सभी धार्मिक स्थल जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और बाकी सभी प्रकार के धार्मिक स्थल आएंगे खोल दिए जाएंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ी सारी गतिविधियाँ खोल दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स भी इसी फेज़ में खोले जाएंगे। इसके बाद आएगा दूसरा फेज़। इस फेज़ में सभी स्कूल्स, कॉलेजेस और बाकी सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को खोलने की तैयारी है, पर इस पर राज्य सरकारों से डिस्कशन होगा और तमाम स्टेक होल्डर, चाहे वो पेरेंट्स हों या स्कूल अथॉरिटीज़ हों, उनसे डिस्कशन के बाद ही तय किया जाएगा कि स्कूल कब खोलना है। इसके बाद आएगा तीसरा फेज़, और ये तीसरा फेज़ तब होगा जब बाकी के दो फेज़ ठीक रहते हैं। तो इस तीसरे फेज़ में इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल्स, सिनेमा हॉल्स, जिम, बार, ऑडिटोरियम, थिएटर, ये सभी खोल दिए जाएंगे। और इसके साथ ही सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक या ऐसा कोई भी कार्यक्रम जिसमें भीड़ इकट्ठा हो उसकी भी इजाज़त दे दी जाएगी। इस गर्मी के मौसम में अनलॉक वन थोड़ी सी रिलीफ लोगों के लिए लेके आएगा, पर इस फेज़ दर फेज़ खोलने का नतीजा क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया।